अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी विल बी लर्न अबाउट द पिक्चर ग्राफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पिक्चर ग्राफ? अ पिक्चर ग्राफ इज द ग्राफ विच शोज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस। मींस कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई हुई है तो वो आपको रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स करने हैं या फिर इमेजेस करने हैं। इट कुड बी एनी पिक्चर ऑफ योर चॉइस। सो हियर आई हैव अ पिक्चर, अ क्वेश्चन that the picture graph shows the number of each kind of fruit at Mr. Lee fruit stall. So Mr. Lee have different kinds of fruits in his stall. He has apple, mango, orange, watermelon. But before starting this picture graph, you have to keep one thing in your mind, that the each picture, for example, I have a square over here. So this square, it stands for how many fruits? It stands for four fruits. Okay, yani jo ek square hai wo kitne fruits ke equal hoga? फोर फ्रूट्स के इक्वल होगा। सो फर्स्ट वी विल डू दिस दिस पार्ट। हेयर वी डोंट नो द एक्चुअल नंबर कि हाउ मैनी एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और वाटर मेलन ही हैव। सो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द अदर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस, बट वी डोंट नो कि टोटल कितने एप्पल। वी हैव 8 बॉक्सेस बट वी डोंट नो कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट 8 ओवर हियर के वी हैव 8 बॉक्सेस। सॉरी 8, देन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। हम लोग 8 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे बिकॉज इट इज स्टैंड्स फॉर 4 फ्रूट्स। सो यू कैन डू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 8। आप 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करो या 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका सेम ही आंसर आएगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32। नाउ वी विल डू द सेम थिंग विद दीज थ्री फ्रूट्स। वी हैव 3 बॉक्सेस ओवर हियर, वी विल डू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 4 12, देन 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 boxes over here. 20. So here we have done this multiplication. हमें पता चल गया है कि हमारे पास कितने apples हैं, कितने mangoes हैं, then कितने oranges हैं, कितने watermelons हैं। Now let's come to this part. ये बहुत simple सा question है कि how many kind of fruits are there? Obviously there are only 4 fruits, so we will write 4. Now this B part, how many more apples than watermelons are there? अब हमें कैसे पता चलेगा कि how many apples are there than watermelon? तो सबसे पहले we will see कि how many apples we have. We have 32 apples. And how many watermelons we have? 16. So in the question we have how many more? More than means ki here we have to do subtraction. So we will do 32 minus 16. So 32 minus 16 is 16. So we have 16 apples more than watermelon. Now the C part is how many fewer oranges than apple are there? How many oranges we have? 20. And how many apples we have? 32. इफ़ अगर आपके क्वेश्चन में फ्यूवर आ जाता है, इट्स मीन्स कि अगेन यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ओवर हियर। सो 32 और 20 माइनस 12 ऑरेंजेस फ्यूअर देन एप्पल। देन द लास्ट वन इज कि हाउ मैनी फ्रूट्स डज मिस्टर ली हैव ऑल टुगेदर। इट्स मीन्स कि अब हमें इन 4 फ्रूट्स को ऑल टुगेदर बताना है कि हमारे पास कितने हैं। सो हम ऑल टुगेदर इन सबको ऐड कर देंगे। ऑल टुगेदर मीन्स कि यू हैव टू ऐड, आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। सो वी हैव 32, देन वी हैव 12, देन 20 एंड देन वी हैव 16। ठीक है, आपने ऑल टुगेदर इन सबको ऐड करना है। ऑल टुगेदर वी हैव 80 फ्रूट्स। थैंक यू।